दोस्तों नमस्कार, मैं राजकुमार शर्मा हर सवाल का जवाब चैनल में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों आज मैं आपको एक ऐसा मंत्र प्रदान करूंगा जो अपने आप में एक मंत्र नहीं बल्कि सौ सौ मंत्रों की शक्ति रखने वाला परम शक्तिशाली मंत्र है। दोस्तों प्रत्येक व्यक्ति की समस्या धन को प्राप्त करना है। हर व्यक्ति के पास व्यापार नहीं है, हर व्यक्ति के पास नौकरी नहीं है। जिनके पास छोटे मोटे व्यापार हैं वह उनसे पैसा नहीं कमा पा रहे हैं। जीविका चलाने के लिए कर्ज ले लिया है और कर्ज से मुक्ति प्राप्त नहीं कर पा रहे। तो दोस्तों आपने आज तक सैकड़ों मंत्र देखे होंगे, उनमें से कई मंत्रों का आपने जाप भी किया होगा, लेकिन यह मंत्र सौ सौ मंत्रों की शक्ति रखने वाला परम शक्तिशाली मंत्र है। आज मैं आपको यह कह सकता हूं कि यह मंत्र वो मंत्र है जो सौ मंत्रों पर भारी है, सौ सुनार की एक लोहार की। दोस्तों इस मंत्र का जाप अगर आप प्रतिदिन करते हैं तो आपको चारों दिशाओं से पैसे की बारिश होने लगेगी, क्योंकि यह मंत्र सिर्फ धन को वृद्धि कराने के लिए ही बनाया गया है। आपने यह मंत्र साधारण तौर पर न कभी सुना होगा और ना कहीं पढ़ा होगा। दोस्तों याद रखना, अगर आप अपने घर में, अपने व्यापार में, अपने परिवार में धन की वृद्धि करना चाहते हैं तो आपको प्रतिदिन इस मंत्र का जाप करना होगा। दोस्तों मैं आपसे एक आग्रह और करूंगा, चूंकि यह इतना विशेष मंत्र है जो आपको चारों दिशाओं से धन की प्राप्ति कराएगा, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें और पसंद आए तो लाइक करें। और अगर आप अपने परिवारजनों को भी चाहते हैं कि उनके घर में भी धन की वृद्धि हो, वह लोग भी पैसा कमा सकें, तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर भी कर सकते हैं। दोस्तों अब मैं आपको यह बताता हूं कि अगर आप इस मंत्र का जाप करते हैं तो आपको चारों दिशाओं से पैसा कैसे प्राप्त होगा। दोस्तों मैं उससे पहले एक बात आपको और बता दूं, आप लोगों की बातों में आकर के भ्रमित नहीं होना है, क्योंकि कई लोग कहते हैं कि यह व्यक्ति तो पैसा कमाने के पीछे पड़ा रहता है। तो याद रखना, पैसा कमाने से ही इंसान अपने जीवन में तरक्की कर सकता है। दोस्तों शास्त्र भी कहते हैं कि न वित्ते न तर्पणियो मनुष्य, मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती। तो दोस्तों मैं आज आपको यह भी स्पष्ट कर दूं कि प्रैक्टिकल और थ्योरी में बड़ा अंतर है, क्योंकि शास्त्र कहते हैं कि मनुष्य के धन की प्यास कभी नहीं बुझती, तो मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि जिन मनुष्यों के धन की प्यास बुझ गई है, पैसा कमाने की इच्छा समाप्त हो गई है, ऐसे लोग जीवन में कभी भी तरक्की नहीं कर सकते, क्योंकि गृहस्थ लोगों के लिए पैसा कमाना परम आवश्यक है। अगर आप पैसा नहीं कमाएंगे तो आपकी जीविका चला पाना असंभव हो जाएगा, आपका जीवन रुक जाएगा। दोस्तों जिन लोगों की धन कमाने की, पैसा कमाने की प्यास बुझ जाती है, वह साधारण गृहस्थ लोग नहीं होते, वह तो संत होते हैं, तपस्वी होते हैं, ऋषि मुनि होते हैं, क्योंकि उनको किसी और कार्य की आवश्यकता नहीं होती। लेकिन जो व्यक्ति गृहस्थ जीवन व्यतीत कर रहा है, वह व्यक्ति प्रातः उठने से लेकर रात्रि को सोने तक एक एक चीज के लिए धन की आवश्यकता होती है उसको। अगर उसके पास धन नहीं है तो वो रोटी नहीं खा सकता, कपड़े नहीं पहन सकता, अपनी बीमारी में दवाई नहीं ले सकता। दोस्तों इसलिए मैं आपसे यह जरूर कहूंगा कि अगर आप अपने जीवन में तरक्की करना चाहते हैं तो पैसा कमाना आपके लिए परम आवश्यक है। दोस्तों अब मैं आपको एक बात और बता दूं, पैसा कमाना तो प्रत्येक व्यक्ति चाहता है, लेकिन व्यापार में वृद्धि कैसे हो, जो नौकरी कर रहे हैं उस नौकरी से पैसा कैसे प्राप्त हो। तो दोस्तों यह मंत्र आपको चारों दिशाओं से पैसा प्रदान करेगा। आपको केवल इस मंत्र का जाप प्रातः बिस्तर पर करके ही आप जमीन पर उतरेंगे। और याद रखना, यह मंत्र जब आप बिस्तर पर बैठकर जाप कर लेंगे तो आपको चारों दिशाओं में
पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण चारों तरफ आपको यह मंत्र पढ़ने के बाद 10-10 बार फूंकना है। आपने जैसे ही इस मंत्र को पढ़ लिया, पूरब की तरफ मुख करेंगे, 10 बार फूंक मारेंगे। पश्चिम की तरफ मुख करेंगे, 10 बार फूंक मारेंगे। उत्तर की तरफ मुख करेंगे, 10 बार फूंक मारेंगे। और दक्षिण की तरफ मुख करेंगे, फिर आप 10 बार फूंक मारेंगे। उसके बाद आप अपने बिस्तर से नीचे उतरेंगे। दोस्तों, आपका कैसा भी छोटे से छोटा व्यापार हो, छोटी से छोटी नौकरी हो, लेकिन यह मंत्र जिस दिन से आप जाप करना शुरू करेंगे, आपको धन की वृद्धि होने लगेगी, पैसे की बारिश होने लगेगी, कमाई का जो साधन है वह 4 गुना 6 गुना 8 गुना 10 गुना बढ़ जाएगा। आप स्वयं आश्चर्य में पड़ जाएंगे कि आखिर यह कितना चमत्कारी मंत्र है। दोस्तों, याद रखना, अगर आप इसका लाभ लेना चाहते हैं तो यह वीडियो आपको प्रारंभ से लेकर अंत तक देखना होगा। दोस्तों, अब मैं आपको वह मंत्र बताता हूं। आपको वह मंत्र ध्यान पूर्वक सुनना है और मैं आपको यह मंत्र स्क्रीन पर लिखकर भी दिखाऊंगा, जिससे आपको किसी भी प्रकार की समस्या ना हो, अशुद्धि ना हो उच्चारण में, ठीक से आप देख सकें। बार बार कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछने की आवश्यकता भी आपको न पड़े। तो दोस्तों, ध्यान से सुनिए इस मंत्र को। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावि ओम ह्रौं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय पश्चिमाय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। दोस्तों, मैंने आपको पूर्व में ही बताया कि यह मंत्र अपने आप में 100 मंत्रों के बराबर है, 100 मंत्रों की शक्ति रखने वाला है। आपको एक बार इस मंत्र का जाप करना है और जब आप इस मंत्र को एक बार प्रारंभ करेंगे तो याद रखना, इस मंत्र को बिस्तर पर बैठकर ही आपको 108 बार जपना है। आप अक्सर इस चक्कर में रहते हैं कि कोई भी मंत्र सिर्फ आप एक बार जप दें और जादू हो जाए, तो दोस्तों यह संभव नहीं है। याद रखना, जो लोग माला से जाप करते हैं उस माला में मोती भी 108 होते हैं। तो आपको कम से कम एक माला बिस्तर पर बैठकर आवश्यक रूप से करनी है। दोस्तों, मैं इस मंत्र को एक बार आपको पुनः फिर दोहराता हूं, जिससे आपको उच्चारण करने में कोई समस्या ना हो। ओम नमो भगवती पद्म पद्मावि ओम ह्रौं ओम ओम पूर्वाय दक्षिणाय उत्तराय पश्चिमाय सर्वजन वश्य कुरु कुरु स्वाहा। जैसे ही आप इस मंत्र को अपने बिस्तर पर बैठकर 108 बार पढ़ लेते हैं, याद रखना, आपका मुख दक्षिण की ओर नहीं होना चाहिए। आपका मुख जिस समय जाप कर रहे हैं उस समय पूरब, पश्चिम या उत्तर की तरफ होना चाहिए। जैसे ही आप इस मंत्र का 108 बार जाप कर लेते हैं, उसके बाद सबसे पहले आप जिस ओर मुख किए हुए हैं उस ओर 10 बार फूंक मारिए। उसके बाद आप दाहिनी तरफ मुड़िए और जो दूसरी दिशा है उसकी तरफ आप 10 बार फूंक मारिए। फिर आप दाहिनी तरफ मुड़िए और तीसरी जो दिशा है उसकी तरफ आप 10 बार फूंक मारिए। और फिर दाहिनी तरफ मुड़िए और जो चौथी दिशा है आप उधर 10 बार फूंक मारिए। और उसके बाद आप भगवान श्री राम का नाम लेकर के अपने बिस्तर से नीचे उतर सकते हैं। दोस्तों, यह परम शक्तिशाली मंत्र है। आपको इस मंत्र का आवश्यक रूप से लाभ लेना है। आपने अक्सर देखा होगा कि आपको बहुत सारी चीजें इंटरनेट पर ही मिल जाती हैं। google.com आजकल आपको सब कुछ बता देता है, परंतु मैंने आपको जो विधि बताई है यह विधि आपको हर जगह उपलब्ध नहीं होगी। कई जगह मंत्र भी उपलब्ध होता है लेकिन अशुद्ध रूप से होता है, आप उसका ठीक से उच्चारण नहीं कर पाते। तो दोस्तों, आपने भी देखा कि यह मंत्र चारों दिशाओं वाला मंत्र है और चारों दिशाओं से आपको धन प्रदान करेगा।
बस देर है तो सिर्फ आपको इस मंत्र का जाप प्रारंभ करने की देर है। आप जिस दिन से जिस समय से इस मंत्र को प्रारंभ करेंगे आपके घर में धन की वृद्धि होने लगेगी। दोस्तों एक बात और याद रखना, कई लोग सवाल करते हैं कि क्या गुरुजी ये माला से जाप करना है, आप उंगलियों पर भी जाप कर सकते हैं, आप माला से भी जाप कर सकते हैं, इसमें किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं है। और याद रखना आप इस मंत्र का जाप किसी भी दिन से प्रारंभ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इसमें यह भी नहीं है, कई लोग पूछेंगे कि गुरुजी क्या हमें स्नान करना है। जब मैंने आपको यह स्पष्ट कर दिया है कि बिस्तर से उतरने के पहले, जैसे ही आप सोकर उठते हैं तो आप बिस्तर से नीचे नहीं उतरेंगे, पहले इस मंत्र का जाप करेंगे, चारों दिशाओं में 10-10 बार फूंक मारेंगे, उसके बाद ही आप बिस्तर से धरती माता पर पैर रखेंगे। दोस्तों इस मंत्र का लाभ उठाइए और अपने दोस्तों को भी शेयर करके उन्हें भी लाभ दिलाइए। कैसा लगा आपको हमारा वीडियो, कमेंट बॉक्स में जरूर लिख भेजें। और दोस्तों कमेंट बॉक्स में किसी भी प्रकार की फालतू बातें न लिख करके अगर आप कुछ नहीं लिखना चाहते तो आप जय श्री राम लिख दीजिए, उसका भी लाभ आपको प्राप्त होगा। जय श्री राम।